उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे मंदिर का दान पात्र ग्लोबल हो गया है। अब विदेशों में रह रहे लोग भी दान कर सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को FCRA लाइसेंस की मंजूरी दे दी है। बीते बुधवार को गृह मंत्रालय की विदेश डेस्क की ओर से इस संबंध में मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विदेशों के दान को भी ट्रस्ट स्वीकार कर सकेगा। ट्रस्ट ने इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के FCRA विभाग ने मान्यता प्रदान की है। विदेशी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कोई भी स्वैच्छिक योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक की संसद मार्ग शाखा में ही स्वीकार होगा। अन्य किसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की अन्य किसी शाखा में भेजा गया धन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वही जानकारी के अनुसार इस साल जून में राम मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट ने FCRA लाइसेंस के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन किया था। नियम के अनुसार कोई भी संस्थान या ट्रस्ट विदेशों से फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोले गए FCRA अकाउंट में ही स्वीकार कर सकता है। यह अकाउंट दिल्ली की संसद मार्ग स्थित SBI शाखा में खुलता है। वहीं बता दें कि 2020 में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था, जिसमें श्रद्धालुओं और देश भर के लोगों से फंड स्वीकार करने की अनुमति थी। फिलहाल अब दुनिया भर के लोगों का दान भी ट्रस्ट स्वीकार कर सकेगा। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसका शिलान्यास PM नरेंद्र मोदी ने 2020 में किया था।